Assalamualaikum, my name is Nasir Saleem. I am from the address Real Estate and Builders. बहरिया राउंड कराची के अंदर सबसे सस्ता प्लॉट अभी कौन से प्रिसेंट के अंदर है और उसका डिस्टेंस कितना है, करंट मार्केट उसकी अभी क्या है, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और फ्यूचर के अंदर वहाँ पे जो है आप अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं तो वहाँ पे उसको कितना बेनिफिट होगा, आप रिहाइश के हवाले से भी इसके बारे में मैं आपको इस डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। प्लस इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी मैं इस बारे में आपको जो है थोड़ा सा इसकी जो है ब्रीफ इसकी आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ सबसे सस्ते प्लॉट्स अभी जो बहरिया पे मिल रहे हैं, 75 स्क्वायर यार्ड बहरिया ग्रीन के प्लॉट्स। जी बिल्कुल, तो ये अभी मार्केट आपको पता है सबको, अभी मार्केट कैसी चल रही है, अभी मार्केट डाउन की तरफ है और सबसे बेहतरीन मौका वही होता है जो मार्केट डाउन की तरफ होती है। अब के अंदर आपको जो है वो टाइम नहीं मिलेगा बाय करने का इन प्राइसेस के अंदर, वहाँ पे आपको जो है डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा क्योंकि उस वक्त जो है मार्केट ऊपर जा रही होती है। लेकिन अभी जो अगर आपके पास कैश है तो ये सबसे बेहतरीन मौका है इन प्लॉट बाय करने का, क्योंकि मार्केट अभी ऑलरेडी डाउन है और आपको जो है अच्छे पैसों के अंदर जो है वो अच्छी चीज़ भी मिल सकती है, कॉर्नर कैटेगरी के प्लॉट भी जो है वो अच्छी कीमत के अंदर मिल सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट जाहिर सी बात है जब गिरी हुई होती है तो इन्वेस्टर्स जो है यही मौका तलाश करते हैं कि वो अपना जो है वो पैसा जो है उसके अंदर लगाए और आने वाले वक्त में जैसे ही मार्केट तेज़ हो तो वो उसको जो है वो कैश आउट करवा सके। तो ये बेहतरीन मौका होता है परचेजिंग के हवाले से, सेलिंग का बिल्कुल अगर आपके पास अपना जो है ये प्लॉट है तो मेरा मशवरा ये होगा कि अभी बिल्कुल सेलिंग का टाइम नहीं है। क्यों नहीं है, आपको खुद पता है कि ऐसी बात है मार्केट इतनी नीचे है तो आप अगर इस वक्त सेल करेंगे खौफ के अंदर तो ऐसी बात है बहुत से लोग जो है वो इस वक्त और ज़्यादा जो है वो नेगेटिविटी फैलाएंगे कि आप जो है वो घबरा के जो है वो सेल करते हैं कि यार कहीं ये ना हो कि मेरी जो है इन्वेस्टमेंट जो अभी मैंने की हुई है वो डूब जाए। तो भाई हमारा मशवरा होता है कि हम अपने कस्टमर को क्लाइंट को जो है वो बेहतरीन तरीके से गाइड करें। दिस इज़ नॉट द सेलिंग टाइम, दिस इज़ द बाइंग टाइम, बिकॉज आप जो है अभी बाय करेंगे तो साल जैसे इलेक्शन होते हैं तो साल डेढ़ साल उसके अंदर आपके जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छे उसको आपको रिटर्न भी मिल सकता है, इवन कि आप उसको जो है वो डबल भी अमाउंट हो सकता है, नॉट 100% श्योर, लेकिन जो है जस्ट एक हम अपना आइडिया दे सकते हैं। तो ये सारी जो है करंट सिचुएशन के हवाले से मैं आपको जो है थोड़ा सा इसके अंदर मैंने गाइड किया, और बाकी जहाँ तक बात है कि आप इसमें बाय करें बिल्कुल, अभी अगर आप इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो साल के अंदर आपको जो है वो अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है, और अभी बहुत कम रेट में आपको जो है यहाँ पे मिल सकते हैं, और अराउंड तकरीबन 16-16.5 लाख के अंदर आपको जो है ये 75 स्क्वायर यार्ड पर जो है प्लॉट मिल जाएगा। प्लस इसके अलावा एक यहाँ पे बेहतरीन आपको जो ऑप्शन मिल रहा है पूरे बहरिया के अंदर जो है सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ग्राउंड प्लस आपको जो है 2 फ्लोर्स आपको जो है यहाँ पे आप कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, और जहाँ तक डिस्टेंस की बात है वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूँ, तकरीबन 25 से 26 मिनट आपको जो है यहाँ तक पहुँचते हुए लगेंगे, अराउंड तकरीबन 26-27 किलोमीटर्स जो है टोटल अराउंड है ये मेन गेट से लेके बहरिया तक का रास्ता। तो ये चीज़ आप सारे जो है अपने माइंड में रखिएगा। प्लस इसके अलावा एक और भी न्यूज़ है कि यहाँ से जो है वो बलूचिस्तान की तरफ से जो इसका कनेक्टिंग रोड निकलेगा तो वहाँ से जो मेन गेट निकलेगा तो सबसे फर्स्ट एंट्रेंस के ऊपर ही जो है ये बहरिया ग्रीन पड़ेगा, तो जो वहाँ से बलूचिस्तान की तरफ से जो है उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा, और जब जाहिर सी बात है वहाँ पे गेट होगा तो वहाँ पे बहुत सारी इम्यूनिटीज़ वगैरह और भी इंट्रोड्यूस होंगी, अभी फ़िलहाल इतनी नहीं है लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम्स के जो है अपार्टमेंट्स वगैरह भी बन रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अल्फिजार एवेन्यू के करीब करीब जो है काफ़ी जो है क्या कहते हैं वाइड एरिया पर 120 के ऊपर जो है वो रोड है काफ़ी वाइड एरिया के अंदर। बस ये कि बिल्कुल भी पैनिक ना हो, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है ये वक्त अभी जो है सिर्फ बाइंग का है, लेकिन अगर आप बहुत मजबूर हैं तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते कि अगर आपने सेल करना ही है तो फिर डेफिनेटली आप जो है वो एग्जिट कर सकते हैं, आप अपना कैश आउट करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी सेल करेंगे तो आपको जो है वो लॉस होगा ओवरऑल मार्केट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ सिचुएशन आपको मैंने बताई थी, 16 लाख के अंदर आपको जो है ये ओल्ड डील के अंदर मिल जाएगा, न्यू डील अभी जो है वो माइनस के अंदर है, जैसी बात है 22-25 लाख के अंदर जो इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाई थी बहरिया ने तो वो अभी माइनस के अंदर आपको जो है तकरीबन 2.5 से 3 लाख-4 लाख के माइनस के अंदर आपको जो है वो अभी मार्केट में मिल जाएगी वो वाली डील्स, लेकिन ओल्ड डील जो है वो आपको जो है बैलेंस के अंदर जो है वो मिल जाएगी, जितने अमाउंट पेड है वो आपको फुल अमाउंट के अंदर आपको जो है मिल जाएगी, अभी उसके अंदर वो नहीं चल रहा क्योंकि अभी पिछले एरिया में जो है काफ़ी ऊँचा चल रहा था इसके ऊपर।
तो ये सारी सूरत हाल देखी जाती है। बाकी ओपन फीस वगैरह जो है वो आपको जो है विदाउट ट्रांसफर फीस के साथ जो है वो मिल जाएंगे। प्लस इसके अलावा जो दूसरे होते हैं उसके अंदर आपको जो है अराउंड 40,000 रुपीज़ जो है इसकी ट्रांसफर फीस होती है, और बाकी फाइलर और नॉन फाइलर वगैरह जो है 2% जो है वो फाइलर का जो टैक्स है और नॉन फाइलर जो है वो 7% उसको जो है पे करना पड़ता है। ये सारी जो है वो सिचुएशन। और सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप उसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक है, आप उसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा व्हाट्सएप पे अगर आप कोई भी क्वेरी है वो भी आप छोड़ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसकी क्वेरी का जो है आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। और ना सिर्फ जो है वो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, एक आपको जो है गाइड भी करेंगे कि कौन सा बेस्ट तरीका है आप मार्केट में, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है उसको सेल करना चाह रहे हैं या फिर अगर आप बाय करना चाह रहे हैं कितना आपके पास अमाउंट है, तो उसके हवाले से बिल्कुल जाहिर सी बात है हम आपको जो है सही तरीके से गाइड करेंगे। और बाकी चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जितनी भी फर्दर वीडियोज़ होंगी उसके थ्रू आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ रहें खुश रहें और अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।